सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर इन विच वी कैन लर्न फ्यूल प्रिंसिपल्स। तो जो हमारा फ्यूल था, इन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसका मतलब होता है, प्रिंसिपल कहता है कि काम को एक स्मॉल यूनिट के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि वर्क एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स हम जानते हैं कि एक पावर होती है डिसीज़न लेने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि हमें एक ड्यूटी करनी है किसी चीज़ की, जो हमें मिली है उसको हमें निभाना है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस ऑन पैरिटी बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि एक बैलेंस बने रहना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मतलब जो अथॉरिटी देता है, अगर हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको निभाएंगे नहीं तो वो तो मीनिंगलेस है हमारे लिए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें अथॉरिटी ही ना मिले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे तो वर्क हमारा सही से हो ही नहीं पाएगा। तो इसका जो है ना, वो बैलेंस बन के रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो फर्म होती है उसके अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन बिल्कुल बना होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग बॉस से उसे ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर पहले माने, तो मतलब काम के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है वन यूनिट मींस वन प्लान, मतलब कि हमें वन हेड वन प्लान करना है, किसी भी चीज़ को एक तरफ ही मतलब सोच के चलना है सारे एम्प्लॉयज़ को, कि हमें एक ही प्लान के मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि सबका अलग इंटरेस्ट, एक का अलग इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, एक का अलग। हमें पहले एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, नाउ वी हैव टू कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब फर्म के अंदर जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबका अलग अलग कोई ना कोई मोटिव होता है जॉब करने का, तो इसका मतलब है कि सबको अपने पर्पस से हटके बल्कि एक जनरल इंटरेस्ट बनाना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल को ही हम सिलेक्ट करें कि हमारा जो मेन मोटिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल को अचीव करना है। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है, रेमुनरेशन मीन्स सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो भी होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेयर सैलरी ही मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से वो काम करते हैं उसी हिसाब से। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होगा तो वर्कर्स जो होंगे वो बिल्कुल भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं सुपीरियर, वो सारे डिसीज़न सब काम खुद करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो टॉप लेवल होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी को नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि खाली टॉप लेवल ही मतलब सारे डिसीज़न ले, और ये नहीं है कि सारी अथॉरिटी उन मतलब नीचे वाले लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इन दोनों चीज़ के अंदर बैलेंस रहेगा तो ही काम अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। स्केलर चैन मीन्स हमारा होता है एक तरीके से चैन बनाना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से हमारा एग्जांपल ले लिया, ये सब वर्कर्स हैं। तो टॉप लेवल जो ए है, अगर उसको नीचे जी तक बात पहुँचानी है तो वो बी को पास करेगा, बी सी को, सी डी को, इस तरीके से ये अगर हमारी चैन चलेगी तो सारे वर्कर्स के अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा कि सारी बातें जो भी हैं उन्हें भी पता लगती रहेंगी। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर मीन्स हमारा क्या होता है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना नहीं है। हमारी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर ऑर्डर मीन्स होता है कि कोई भी हमारे मटेरियल है, रॉ मटेरियल या टूल्स वगैरह, वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह पे ही होना चाहिए जहाँ उसका काम हो, और जो हमारा वर्कर्स हैं वो अपनी ही जगह पे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई इधर है कोई उधर है, अगर इधर उधर होते रहेंगे ये तो काम तो हो नहीं पाएगा, काम में देरी होगी और हम गोल को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो सारी जगह हमारी जो है ना वो फिक्स प्लेस पर ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है, इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। इसका मतलब कि जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके साथ बिल्कुल इक्वल बिहेव करना। ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और कास्ट वगैरह से लेके कोई कास्ट छोटी कास्ट का होता है तो तुम उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, सबके साथ इक्वल बिहेव करोगे तभी तुम अचीव कर पाओगे अपने गोल को। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है हमारा, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब कि ऐसा होता है वर्कर्स जो काम करते हैं, कोई वर्कर्स है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो काम करने में उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। देखो हर चीज़ में अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हो तो तुम्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को इतना टाइम देना, थोड़ा सा मतलब पर्टिकुलर टाइम देना जॉब के लिए, कि वो अपना शो कर सके कि हाँ ही कैन डू दैट वर्क। ये नहीं है इसका मतलब कि एकदम से ट्रांसफ़र कर दी जाए उसकी जॉब को दूसरे डिपार्टमेंट में, या दूसरे तरीके की जॉब दे दी जाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस क्या होता है, मतलब कि एक लाख लाई का एडवांटेज और बोनस टाइप। तो इनिशिएटिव रेफर्स टू चॉकिंग आउट द प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द सेम। फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग आ प्लान। मतलब कि वर्कर्स को एक अपॉर्चुनिटी देना एक प्लान के अंदर पार्ट लेने के लिए, यदि मतलब उनको वेलकम करना कि तुम अपने सजेशन दो, आइडियाज़ दो इस प्लान से रिलेटेड। यदि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा सा सजेशन देता है तो उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक तरीके का मतलब उसको बोनस वगैरह टाइप देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि बोनस वगैरह देना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए प्लान में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब ये होता है स्पिरिट दी कॉप कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, तो अगर मान लो कोई एक बंदा अच्छा काम ज़्यादा कर रहा है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ सिर्फ ये मैंने ही करा है। उसका कहने का मतलब ये होना चाहिए कि हमारा टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब आई आई जो होता है वर्ड उसको इग्नोर करके वी को इसमें लाना, ये होता है स्पिरिट दी कॉप्स, मतलब कि टीम वर्क सजेस्ट करना। नेक्स्ट है हमारा, ये ख़त्म हो चुके हैं प्रिंसिपल्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो आई विल कम टू विद अ न्यू वन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।